हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 7 जुलाई 2020 मंगला गौरी व्रत पूजा व उद्यापन विधि। व्रत के जरूरी नियम व उपाय। मान्यताओं के अनुसार माँ मंगला गौरी की उपासना से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। मंगला गौरी का व्रत करने से विवाह और वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। यह व्रत प्रत्येक साल के सावन माह के मंगलवार के दिन पड़ता है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। आज हम आपको सावन माह के पहले मंगला गौरी व्रत की शुभ तिथि, पूजा विधि, व्रत कथा, उद्यापन विधि और इस दिन अटल सुहाग के लिए किए जाने वाले एक चमत्कारिक उपाय के बारे में बताएंगे। मंगला गौरी व्रत पूजा विधि व नियम। साल 2020 सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत 7 जुलाई मंगलवार के दिन है। इस व्रत को करने के विशेष नियम हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें और माता गौरी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें। इसके बाद आटे से निर्मित दिया बनाकर षोड़ सोपचार से माता गौरी की पूजा करें। पूजा में माँ गौरी को सुहाग का सभी सामान अर्पित करें और इसके बाद मंगला गौरी व्रत कथा पढ़कर सभी में प्रसाद वितरण करें। अखंड सौभाग्य प्राप्ति उपाय। जैसा कि गौरी पूजा नाम से ही स्पष्ट है, माँ गौरा अर्थात माता गौरी के लिए किया जाने वाला व्रत। पुराणों के अनुसार भगवान शिव पार्वती को श्रावण मास अति प्रिय है। यह व्रत सावन महीने के मंगलवार को ही किया जाता है, इसीलिए इसे मंगला गौरी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में 16 की संख्या का बड़ा महत्व है, इसीलिए यदि इस दिन महिलाएं माता गौरी को सुहाग की सामग्री में 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन माता गौरी की पूजा में दीपक भी 16 बत्तियों वाला ही जलाना शुभ होता है। अखंड सौभाग्य और मन चाहे वर प्राप्ति के लिए इस दिन ओम गौरी शंकराय नमः का 11 माला जाप करें। मंगला गौरी व्रत उद्यापन विधि। यदि आप 5 वर्षों तक इस व्रत को करते हैं तो आपको उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद ब्राह्मण और 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। अपने पति के साथ हवन और माँ गौरी का विधिवत पूजन करें और माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। हवन के बाद माता मंगला गौरी की आरती करें और सभी में प्रसाद वितरण करें। अंत में ब्राह्मण और सभी 16 सुहागन महिलाओं को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मपाल नाम का एक सेठ था। सेठ धर्मपाल के पास धन की कमी तो नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह हमेशा ही चिंतित रहते। एक बार गुरु के परामर्श से सेठ धर्मपाल ने माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक उपासना की, जिससे खुश होकर माता पार्वती ने उन्हें संतान प्राप्ति का वर दिया। लेकिन संतान अल्पायु थी। उस समय बाद धर्मपाल को पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने एक ज्योतिषी द्वारा पुत्र का नामकरण करवाया और उन्हें माता पार्वती की भविष्यवाणी बताई। तब ज्योतिषी ने उन्हें सलाह दी कि वह अपने पुत्र का विवाह उस कन्या से कराएं जो मंगला गौरी का व्रत करती हो। मंगला गौरी व्रत के पुण्य प्रताप से आपका पुत्र दीर्घायु होगा। सेठ धर्मपाल ने ऐसा ही किया। उस कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र दीर्घायु हुआ। तभी से माँ मंगला गौरी व्रत करने की प्रथा चली आ रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।